मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा आनंद कोलीवाला की रहने वाली एडवोकेट शोएजा परवीन को 29 अक्टूबर को उन्हें कॉल आया मॉडल बनने के लिए। शोएजा परवीन के मुताबिक जिस व्यक्ति ने उन्हें कॉल किया उसने कहा कि खास तौर पर मॉडलिंग के क्षेत्र में जो है मुस्लिम लड़कियों को वो लाना चाहता है और शोएजा परवीन है, इन्हें भी मॉडलिंग के तौर पर ऑफर उसने दिया कि फ़ोटोशूट होगा, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, ऐसे तमाम तरीके जो है उसने बातचीत की। और उनका साफ कहना था कॉल रिकॉर्डिंग में जो है कि मुस्लिम लड़कियां जो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाती हैं उन्हें जो है हम टैलेंट दिखाने का मौका देते हैं। शोएजा परवीन ने इस पूरे बातचीत की जो है कॉल रिकॉर्डिंग भी की और बातचीत के दौरान शोएजा परवीन ने जो है इस व्यक्ति को जो जिसने कॉल किया था उसे भाई भी कहा। भाई शब्द सुनकर उस व्यक्ति ने इस शब्द पर एतराज़ जताया। बहरहाल जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी हम आपको सुनाएंगे और शोएजा परवीन जो एडवोकेट है उन्होंने भी इस पूरे मामले में क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। फेक कॉल व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आते हैं और ऐसे में इस तरह के जो फ्रॉड फ़ोन आते हैं, जो फेक फ़ोन आते हैं, लोगों को झांसा लालच देकर फंसाने का काम करते हैं। ऐसे फ्रॉड फेक कॉल से जो है बचने की बेहद ज़रूरत है। बहरहाल एडवोकेट शोएजा परवीन ने मुमरा पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले में एनसी की है और आगे जो है साइबर क्राइम में जाने की तैयारी में है। और पहले हम आपको सुनाते हैं कि शोएजा परवीन से और उस व्यक्ति से जो बातचीत हुई है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पहले आप सुनिए, उसके बाद एडवोकेट शोएजा परवीन ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है वो भी सुनिए। हेलो जी, कौन? हेलो, इरम जी बात कर रही हैं? कौन आप? आप फ्री है अभी बात करने? हाँ, क्या बात कर रही हैं आपको? मैं कास्टिंग डायरेक्टर जीशान बात कर रहा हूँ। अच्छा, हेलो जी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? हमारा टाइप्स होता है ना मैडम एयरटेल नेटवर्क और वोडाफोन वगैरह से, तो हमें डेटा बैंक हम खरीदते हैं तो मिल जाता है। तो बोलिए। तो ये लाइक एक शूट रिगार्डिंग है, आपको एक्टिंग वगैरह आती है? नहीं भाई, जीरो है हम तो उसमें। और फोटोग्राफी आपको अच्छी लगती है? फोटोज अगर आपके निकाले है लहंगाज में, ब्राइडल्स में, बुरखे में, ऐसा सब, लेडीज बैग्स में, इयररिंग्स में, फिंगर रिंग्स में, सैंडल्स वगैरह पे? हाँ, तो आप लोग क्या मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए ना बस आपको मतलब हमारे ऑफिस में एक बार आना पड़ेगा। हाँ? आपकी फोटो पहले मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करनी होगी, कुछ फोटो जो आपने नॉर्मल निकाली होगी, जरूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो ही हो, अगर वो होगी तो और भी अच्छा है, और अगर नहीं होगी पोर्टफोलियो तो नॉर्मल फोटोज भी जो अच्छी अच्छी है वो सेंड कर देना। और वीडियोस छोड़ते आजकल लोग मतलब वो एप्लीकेशन। तो भाई जी मुझे ये बताइए, इसमें एडवोकेट भी आ सकते हैं क्या? सब आ सकते हैं इसमें, आप एडवोकेट का प्रोफेशन अपना कंटिन्यू रखते हुए हमारे कैमरामैन आपको शूट भी कर सकते हैं रैंडम, जिसका आपको मंथली और 15 डेज में पे भी मिलता है 40,000। तो विदाउट एफर्ट्स डाले तो आप लोग हमें कैसे पैसे दे सकते हैं? एफर्ट्स यही रहेगा ना कि हमें आपका मतलब जो बदन का फोटो मतलब जो रहता है पहन के कपड़ा या फिर हमारा कपड़ा जो भी आपका, जैसे हमें बुरका अच्छा लगा या फिर आप नकाबी होंगी। हाँ, हाँ, स्पेशली मुस्लिम लड़कियों के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपको पता है ना अभी बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड लोग पटा लेते हैं लड़कियां लोग, या फिर उनसे शादी कर लेती है फिर बाद में कैसा उनका बनता है नहीं बनता है, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ आवर पीपल आर इनटू ड्रग्स एंड ऑल, तो लड़की तो में रहती है ना बच्चों को संभालना, खुद को संभालना, खुद के खर्चे, ये सब हम लोग स्पेशली मुस्लिम जो है उनमें टारगेट ऑडियंस है वो हमारे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रिशान पेशी माम, आई एम दी लाइक यू नो फाउंडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम लड़कियों के लिए। आप इसमें पैसे भी कमा सकती है, आपकी जो फ्रेंड लोग हैं उन्हें भी बोल करके। आपके ऑफिस में बैठे बैठे आपको घर बैठे बैठे पैसे मिलेंगे अकाउंट में, मगर
अरे तुम्हें पोज देने नहीं बोलेंगे, तुम अपना नॉर्मल काम करती रहोगी। फोटोग्राफर्स की वो कला होगी कि वो आपके फोटो कैसे निकाले, वही तो हमारे फोटोग्राफर्स का भी टैलेंट तो है। इसमें चाइल्ड नहीं कर सकते क्या? चाइल्ड भी कर सकते हैं मगर लड़कियां चाहिए। हाँ लड़कियां है मेरे पास में, बच्ची है मतलब 4 साल की। बच्ची बच्ची को मगर आपको हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप भी फिर उसमें 4 साल की नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 17-18 से स्टार्ट है बच्चियां। अच्छा टीनेजर गर्ल्स। या टीनेजर यू नो ना, थोड़ा ग्लैमर लाइन भी है ना जिसमें, और ये खास करके उन लोगों के लिए है। और अब मैं दूसरे कंटेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ जो थोड़ा एक्सपोजर वाला है, उसमें मतलब आप से बात कर सकता हूँ ना? नहीं, वो मत कीजिए, ये थोड़ा मतलब ठीक उसमें है। जैसे पूरा एक्सपोजर भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो उसमें कैसा लॉन्जरी शूट्स होता है। नो 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 नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और वो शॉर्ट्स वाला भी मतलब जो पता है ना अबाउ नीज पहनते हैं, मतलब नहीं वो सब नहीं, आप बात करो ये जो ये बुरके वाला शूट अच्छा था। हेलो। हेलो। हाँ भाई जी, हाँ मैं जब भी सो रही थी आपकी कॉल आई थी। मुझे ये बताइए कि मेरा नंबर आपको बेसिकली मिला कहाँ से? आप हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है? नहीं, जब से मैंने 13 लड़कियों को हायर कर दिया है, उनको दो चार जन को तो काम भी दे दिया है, क्या कर रही है वो बात नहीं है भाई जी, कैसा है ना मेरे मोबाइल में DND डली हुई है। और ये? आप भाई जी क्यों बोल रही हैं आप मुझे? जिगजैग अच्छा जो भी आपका नाम क्या है वैसे? बोलिए मुझे, नाम क्या है आपका पूरा? मेरा ऐसा तो सब मुझे न, मेरा नाम है जीशान मगर अच्छा प्यार से सब मुझे जिगजैग बोलते हैं। अच्छा पेरेंट्स का जिम्मा नहीं लेते हैं, हम एक का जिम्मा ले सकते हैं। पेरेंट्स में भी अगर वो औरतें हैं तो उनका जिम्मा लिया जाएगा, अगर वो आना चाहेंगी तो। हम यहाँ पे मर्दों से बात नहीं करते क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा है, ओनली बेसिकली फॉर इस्लामिक वुमेन्स यू नो, फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स। तो आपको सैलरी मिलती है लड़कियां हायर करते हैं आप? सैलरी? आई एम द ओनर ब्रदर, मैं ओनर का ब्रदर हूँ। अच्छा तो मतलब जो मतलब परेशान हाल लड़कियां हैं तो आप अच्छा जरा मुझे दो उनको गलत मिनट से लाइन फोन में है कीजिए, आपके? अजान हो रही। 2 मिनट से फोन कीजिए, अजान आप हो रही। आजान का भी काम कर रहे हो और आप ऐसा भी कर रहे अजान हो रही हो? है, 2 मिनट में फोन कीजिए, फिर तसव्वुर से बात करा जाएगा आपसे। हेलो। हेलो। हाँ जी भाई, अजान सुन लिए पूरी? फिर भाई पे आ गए। हाँ तो ऐसा मेरी जरूरी नहीं है कि तुम दूसरी लड़कियों की तरह फॉर्मल भाई बोल के बात करोगी तो ही मैं तुम्हें, हाँ मेरी बात सुनो अभी ध्यान से आप। तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, पति होगा, जो भी है मैम, अब भाई बोलेगी नहीं बोलेगी चलेगा। हाँ मुद्दे की बात करो भाई। किसकी मुद्दे की बात ये है मुद्दे कि की? मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट शूट है, तुम ये जैसे लोग ही है वेडिंग ना, शूट है। तो तुम जैसे लोग ही है ना दुनिया में, औरतों की इज्जत नहीं करते, उनकी इज्जत उछालते हैं। सुनोगी मेरी बात? मैंने बोला आपको हाँ बुरखे में, ये बुरखा अगर अब पहनना बुरका आपकी, होता किसके लिए? फोटो शूट के लिए नहीं होता, गैर महरम तुमने ना तो देखे तभी हाँ इसलिए बोले होता है। तो हाँ, तो गैर महरम कहाँ हाँ देखेंगे थी, फोटो देखेंगे ना। मैंने तो तुम्हें यही हाँ बोला, चेहरा भी छुपा सकती हो तुम, हाँ चेहरा चाहो तो ना तुम दिखाओ। लोग का जो ये सब चल रहा है ना सिंडिकेट क्राइम, लड़कियों क्या को फांसने सिंडिकेट, का, ये सब खत्म कर दो प्लीज। कौन सा फंसने का चल रहा है? लड़कियां खुद फंसा रही है लड़कों लोग को, और बाद में फिर लड़के हाँ नशे में परेशान हो जा रहे हैं, बाद में फिर लड़कियां खुद दूसरे दूसरे लड़कों के पास भाग जा रही है, वो सही है क्या तो जो करते ये होंगे सिंडिकेट? करते होंगे, ये तुम हाँ लोग है ना जो तो लड़की लोग में भी तो कॉल वॉल करते और होंगे, वो दोबारा करते करने का होंगे। नहीं, समझे क्या? क्या नहीं करने का? अपने मर्द को सुना रही के बॉयफ्रेंड को सुना रही बाजू में? मुंह बंद रख अपना। पहले तो पैसा सुन के पकड़ा गई कि हाँ मिलेगा, तो जब तेरी मर्द अम्मा, मारूंगा ना तब मालूम हाँ पड़ेगा। तेरी हेलो, कॉल क्यों काटा? तुम नाराज लग रहे थे तो मैं नाराज काट की रही नहीं हो, थी। सुन मेरी बात ध्यान से जरा। अभी आइंदा के लिए इस नंबर पे तूने कॉल किया ना तो 1 घंटे में पुलिस स्टेशन से कॉल करवाऊंगी मैं, समझ आया तुझे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट शोएजा है। अरे किस तरह के कॉल आपको आ रहे थे और क्या आपने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत वगैरह भी की है? हाँ मुझे एक अननोन नंबर से रैंडमली कॉल आ रहा था,
और पहले तो मैंने वो रिसीव नहीं किया, सेकंड टाइम मैंने रिसीव किया, मुझे लगा शायद किसी का होगा ज़रूरतमंद का, तो फिर मैंने कॉल रिसीव किया तो वो मुझे ऑफ़र देने लगे। उन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि वो एक कास्टिंग डायरेक्टर बात कर रहे हैं और वो गर्ल्स को फ़ोटोशूट के लिए, ख़ास करके उसने उनका कहना था कि मुस्लिम लड़कियों के लिए वो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपना टैलेंट आगे आके दिखाएं। जो लोग लड़कियां घर में एप्लीकेशंस बनाती हैं, वीडियो फ़ोटोशूट करती हैं, तो वो टैलेंट उनका बाहर आए और वो चाह रहे थे कि बेसिकली टीनेजर गर्ल्स हों उसमें। तो मैंने ऐसा उनसे क्वेश्चन किया कि क्या बच्चियाँ भी ये शूट करती हैं क्या 4 ईयर्स की, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं 17 ईयर्स 18 ईयर्स या तो फिर जो तलाकशुदा लड़कियाँ होती हैं यंग एज में जिनकी डाइवोर्स हुई है उसके लिए। तो फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि बेसिकली ये हम लोग जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो भी पीरियड चल रहा है इसमें बहुत से मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, तो हम उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो उसमें उसने मुझे 2 कैटेगरीज बताई। फर्स्ट कैटेगरी में उसने मुझसे कहा कि ये बेसिक रहेगा जिसमें एयरिंग्स ऑर्नामेंट्स रहेगा या लहंगा चोली या और बुरखे का फ़ोटोशूट था। सेकंड उसने बोला कि ये एक बोल्ड फ़ोटोशूट रहेगा जिसमें एक्सपोजर वाला रहेगा। तो मैंने तभी उसे बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ये होने के बाद भी वो बंदा मुझे कंटिन्यू कॉल कर रहा था, तो मैंने फिर उससे, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, तो फिर मैंने बात भी की उससे। फिर वो बंदा ऐसा है कि मुझे बता रहा है कि हम मुस्लिम को ही आगे लाना चाह रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को ही हम जो है फ़ोटोशूट कराएंगे और 45 से 50 हज़ार रुपये उनको महीना सैलरी उनके बैंक अकाउंट में आएगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं इंटरेस्ट लेती हूँ तो मैं मेरे भाई से और पापा से परमिशन लेके आपको कॉल बैक करती हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई और पापा और पेरेंट्स का कोई दखल नहीं है इसमें, आपको किसी को बताना नहीं है, ये अंदर अंदर रहेगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और हम जब मर्दों से डील नहीं करते हम लड़कियों में ही डील करेंगे। और उसने कहा कि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाती है तो आप ड्रॉबैक नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने बोला कि अगर पैसे ले लिए अगर पीछे हट गए तो ऐसा, मतलब वो मतलब कोई भोली भाली लड़की होती तो वो फंस जाती उसमें, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे पता है कि ऐसे स्कैम चल रहा है, ये सिंडिकेट क्राइम है। ये एक तरह से दर्शाता है कि जो भोली भाली लड़कियाँ होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर जिनके घर में कोई मेल मेंबर्स नहीं है, फीमेल ज़्यादा हैं, तो उनको थोड़ा पैसे की लालच में वो लोग मॉडलिंग के थ्रू लेके आते हैं और अल्लाह बेहतर जाने क्या काम कराते हैं, और वो वुमेन ट्रैफिकिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ उसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर देखा जाए तो। इसके अलावा फ़ोन कॉल पर आपसे किस तरह की बातें हुई? फ़ोन कॉल पे ऐसे ही उसने मतलब ऐसा एक ऑफ़र देते हैं आप, जैसे किसी को ऑफ़र दे रहे, तो वो मुझे ऑफ़र दे रहा था, मैंने एक्सेप्टेंस नहीं किया, मैंने उसको और उल्टा डांट लगाई क्योंकि वो जो बंदा था उसने अपना नाम मुस्लिम ही करके बताया, मतलब बोला उसने जिशान करके कोई लड़का है। और बीच में क्योंकि जुम्मा का वक्त था, अज़ान हो रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं अज़ान के बाद आपको कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा एक तरफ तुम अज़ान भी कर रहे हो, मुस्लिम के लिए इतना बने भी हो और गलत काम भी करवा रहे हो। फिर मैंने उसको वापस से कॉल किया और मैंने बोला क्यों अपनी दुनिया आखिरत ख़राब कर रहे हो, अपनी भी तो कर ही रहे हो और दूसरी लड़कियों की भी कर रहे हो। तो मतलब मैंने कहा अगर अब तुमने मुझे कॉल किया इस नंबर पे या मेरे बाद किसी भी नंबर पे लड़की को तुमने कॉल किया, परेशान किया, तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी विद इन 1 आवर्स। तो उसने मुझे बोला ठीक है धमकी मत दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ तुम्हारी धमकियों से और तुम जो बोल रही हो ना। तो मैंने इतनी देर में 19 लड़कियों को कॉल किया और 4 को हायर भी कर लिया, मतलब वो कैसे फांसने का काम था तो वो लोग कर ही रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सिंडिकेट क्राइम हो, इसीलिए मैंने इस चीज़ को पहल की, बहुत हिम्मत जुटा के कि मुझे आ सकती है कॉल, मैंने हिम्मत की। लेकिन मेरी ऐसी बहुत सी बहनें होंगी उसमें कोई मुस्लिम या कोई भी कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, कोई भी लड़की, देखिए लड़की की इज्जत उसी के हाथ में होती है, लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे जेंट्स होते हैं जो उनको पैसे का लालच देके, कोई किसी भी चीज़ का लालच देके उनको गलत चीज़ों में लेके आ सकते हैं। तो इस चीज़ों को लेके मतलब बहुत सी लड़कियां हैं जो मतलब वो बातों को बता नहीं पाती हैं, अपने अंदर ही रखती हैं, तो
मतलब अगर मैं ये चाहती हूँ मतलब ऐसे ऐसे कॉल पर भरोसा ना करें, भरोसा ना करें फेक कॉल्स भी, अगर आपको ऐसे कोई परेशान करता है तो बेझिझक पुलिस कंप्लेन कीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए। तो इस कॉल को लेकर आपने भी पुलिस में कंप्लेन वगैरह की? पुलिस में भी कंप्लेन, पुलिस ने क्या कंप्लेन लिया है? अभी उन्होंने बोला है कि आप आगे तक का करिए प्रोसीजर जो भी है, मुंब्रा पुलिस में एक एमसी हुई है, उसके बाद मैं साइबर सेल में जाऊंगी, उसके बाद जैसे जो भी प्रोसीजर रहेगा हम अपडेट देंगे आपको, लेकिन ये जो भी कोई है उसको हम सामने लेके आएंगे।